हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर जीवों में विविधता, जिसमें हमने अभी तक कवर किया है किंगडम एनिमेलिया के फाइलम, फाइलम पॉडिफेरा, फाइलम एनिलिडा, नेमेटोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। प्रीवियस वीडियो में हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम मोलस्का को क्लियर किया, ठीक है। तो आज हम देखते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जीवों के बेसिक करैक्टर देखने से पहले हम देखेंगे इस फाइलम का नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों पड़ा या इसका मीन्स क्या है। तो देखिए, इकाइनोडर्मेटा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है इकाइनो, तो इकाइनोज का मतलब है स्पाइन, ठीक है, और दूसरा है डर्मा, डर्मा का मतलब है स्किन। तो इसका मतलब हो गया, जब इन दो वर्डों को मिला इकाइनोज और डर्मा, तो बना वर्ड इकाइनोडर्मेटा, मीन्स स्पाइन्स स्किन। वो जीव जिनकी स्किन पर कांटे पाए जाते हैं वो जीव होते हैं इकाइनोडर्मेटास, ठीक है। तो या ये कहिए, जिन जीवों की स्किन पर कांटे पाए जाते हैं, कंटक पाए जाते हैं, वो सभी जीव इकाइनोडर्मेटा फाइलम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें समझ में आया कि हम इस फाइलम में कौन से जीव आएंगे, या मतलब ये कहेंगे कि कांटों वाले जीवों का जो संघ है वो होता है इकाइनोडर्मेटा। क्लियर, इतना हो गया। तो अब ये हो गया, अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया इन जीवों के ऊपर कि स्किन पर कांटे पाए जाते हैं। अब ये देखते हैं हम इनके और करैक्टर क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कांटों वाले जीव जो मोस्टली जीव हैं वो होते हैं समुद्रीय जल जंतु, ठीक है। ये कौन से होते हैं? समुद्री जंतु होते हैं, ये समुद्री जंतु हैं, समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है, जब उसको काटा जाता है तो वो रेडियली होती है, यानी कि अरिये सममित होती है, बॉडी अरिये सममित होती है, क्लियर। फिर उसके बाद अरिये सममित होती है, और ये कौन सी होती है? जिसके भी जर्म में तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, जिन तीनों जनन परत पाए जाती है। तो तीनों जर्म लेयर पाए जाने की वजह से इनकी बॉडी हो जाती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। समुद्री जंतु हैं और ये सममित होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। उसके बाद इनमें वास्तविक देह गुहा प्रेजेंट होती है। इनमें कौन सी होती है? इनमें देह गुहा पाई जाती है। कौन सी? वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, बच्चों, अभी हमने जो फाइलम पढ़ा था, फाइलम मोलस्का और फाइलम ऑर्थोपोडा, तो उसमें बाह्य कंकाल पढ़ा था कि कैल्शियम, ऑर्थोपोडा में काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल होता है, ठीक है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल होता है, किसमें? मोलस्का के अंदर। अब जो हमारा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, इसमें बाह्य कंकाल भी होता है और अंतः कंकाल भी होता है। तो अंतः कंकाल किसका बना होता है? अंतः कंकाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ अंतः कंकाल होता है, और बाह्य कंकाल, तो बाह्य कंकाल किसका है? ये जो कंटक हैं, कांटे हैं, इन कांटों से बन मिलके बन जाता है एक बाह्य कंकाल, ठीक है ना। तो ये मजबूत दृढ़ कंटक होते हैं, कंटकों, ठीक है, इन कंटकों से का एक बाह्य कंकाल बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? अंतः कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। इनके साथ इनमें एक गुण और होता है,
जब ये सभी जलीय जीव हैं, इनमें होता है जल संवहन तंत्र पाया जाता है। कौन सा तंत्र पाया जाता है? जल संवहन तंत्र। अब ये तंत्र क्या काम करता है? जो जल है ये इनके अंदर है, तो जल संवहन चल रहा है, जो जैसे हमारा एक परिसंचरण तंत्र था, कौन सा? ब्लड से, ठीक है। तो इसमें ये जल संवहन तंत्र भी पाया जाता है। ये तंत्र काम करता है इन जीवों के श्वसन में, ठीक है, सांस लेने में हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है? श्वसन क्रिया में, प्लस इनको लोकोमोशन में, ठीक है। जो ये लोकोमोशन होता है वो भी किससे होता है? जल संवहन तंत्र के द्वारा ही होता है, ठीक है। इनमें ये जल संवहन तंत्र ये इस वर्ग की, इस संघ फाइलम की बहुत बड़ी विशेषता होती है, ठीक है। इस फाइलम में, इकाइनोडर्मेटा में, जल संवहन तंत्र इस फाइलम को विशेष बनाता है। तो ये किस काम आएगा? ये श्वसन में काम आएगा और चलन में, लोकोमोशन में काम आता है, ठीक है। इनमें एक और होता है, इनका एक और अच्छी गुण होता है जो विशेष होता है और बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो होता है रीजनरेशन। तो इनमें जो रीजनरेशन की गुण है वो भी बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। ये जीव रीजनरेट कर लेते हैं अपने को, ठीक है ना। तो रीजनरेशन की एबिलिटी जो होती है, रीजनरेशन की क्षमता जो होती है, इन जीवों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इनके उदाहरण कैसे हैं, जैसे देखिए, इसमें जो मेन है वो होता है स्टार फिश, ठीक है। एक होता है समुद्री खीरा, जिसे समुद्री खीरा, ठीक, खीरा, पंख तारा, ठीक है, पंख तारा। एक होता है समुद्री अर्चिन, ये भी इसी का उदाहरण है, तो हमें ये देखना है कि ये जो संघ फाइलम है, इस फाइलम में क्या क्या गुण होते हैं। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, इसके बेसिक करेक्टर जो है वो क्या है? इसके जनरल करेक्टर यही है कि ये समुद्री जीव होते हैं, इनके बॉडी के ऊपर कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, कंटक होते हैं, जो कांटों की पूरी स्किन होती है, जिसके जो उनका जीन जीवों का बाह्य कंकाल बनाती है। इन जीवों में अंतर कंकाल भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, क्लियर। इन जीवों के में जल संवहन तंत्र जो इनकी विशेषता है, इन जीवों में एक विशेष गुण होता है, विशेषता होती है, वो होता है जल संवहन तंत्र, जो इन जीवों को लोकोमोशन में, चलन में और इनके रेस्पिरेशन श्वसन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, इसमें कोई किसी तरह की ऐसा नहीं है कि उसको रिड्यूस नहीं होगी, कुछ नहीं, इसमें एक वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, क्लियर। और इसमें क्या होता है कि इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और सममित कौन सी होती है? आर्य सममित होती है या रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनमें एक विशेषता और होती है, वो होती है रीजनरेशन की। रीजनरेशन इस ग्रुप की सबसे बड़ी विशेषता है। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा, जो जीव जंतु जगत में काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा जग है, और इसमें बहुत जटिल और विकसित, ठीक है, सुविकसित जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, वो सभी कॉर्डेटा के अंदर आ जाते हैं, क्लियर। तो ये सबसे बड़ा फाइलम हो गया, इसमें बहुत सारे जंतु आते हैं, कौन से? जो बहुत वेल डेवलप्ड हैं, बहुत विकसित हैं, जिनका शरीर बहुत जटिल है, ठीक है ना, उनमें ये सब जीव जंतु आते हैं हमारे फाइलम कॉर्डेटा में। तो फाइलम कॉर्डेटा की क्या विशेषताएँ हैं ये हम देखते हैं, इनके जनरल करैक्टर क्या हैं ये हम देखते हैं। तो पहला है हमारा द्विपार्श्व सममित, ये जितने भी हैं जंतु इस फाइलम के अंदर, जो जंतु आएंगे वो सभी वो जंतु आ जाते हैं जो द्विपार्श्व सममित होते हैं, यानी कि बायलैटरली सिमेट्री होती है। अगर उनको बीच में से डिवाइड किया जाए तो दोनों साइड कैसे होंगे? वो इक्वल होते हैं, क्लियर। अब इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि इनके अंदर तीनों जनन परत पाई जाती है, ठीक है, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, तीनों जर्म लेयर से प्रेजेंट है, इसीलिए इनकी बॉडी कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। नेक्स्ट, इनके अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, इसीलिए इन जंतुओं को देह गुही जंतु भी कहते हैं।
और इनकी सबसे बड़ी विशेषता, जो इस फाइलम की सबसे बड़ी विशेषता है, वो होती है इनमें पाए जाने वाला नोटोकॉर्ड। क्लियर, नोटोकॉर्ड के कारण ही ये फाइलम कॉर्डेटा फाइलम होता है। अब ये फाइलम नोटोकॉर्ड क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, नोटोकॉर्ड एक आहार नाल और पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, आहार नाल और पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र के बीच पाए जाने वाली एक रोड लाइक, जिसे रोड होती है ना, उसके जैसे एक संरचना होती है। सही है, जो जो जंतु हैं, ठीक है, उन जंतुओं में क्या होती है, जो बाद में विकसित होते हैं, जब वो जंतु बड़े मैच्योर होते हैं, तो वो उनमें रीढ़ की हड्डी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर, जो भ्रूण अवस्था में कैसी पाई जाएगी, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जो उनके विकसित होने पर रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिसमें जाके पेशियां जुड़ती हैं, पेशियों को जुड़ने का स्थान देते हैं, वो होती है नोटोकॉर्ड। तो इसमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। उसके साथ दूसरी विशेषता है पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु। तो इस बच्चों, फाइलम कॉर्डेटा में पृष्ठीय तंत्रिका खोखला तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। ये कहाँ पर होता है? ये होता है पृष्ठ सतह पर, ठीक है, जो जंतु है उसके पृष्ठ सतह पर, जो पृष्ठ है पीछे का, उस इस सतह पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु। क्लियर, तो ये दो विशेषता, इंपॉर्टेंट विशेषताएं देख ली, कौन सी? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? ये आहार नाल और पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र के बीच पाए जाने वाली एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, रोड जैसी संरचना है, जो बाद में परिवर्तित होकर के बाद में प्रतिस्थापित होकर क्या बनाती है? बनाती है रीढ़ की हड्डी। और फिर आती है ग्रसनीय क्लोम दरारे। इस फाइलम में जितने भी जंतु पाए जाते हैं, कॉर्डेटा जितने भी जंतु होते हैं, उन सभी जंतुओं में एक जोड़ी ग्रसनीय क्लोम दरारें जरूर पाई जाती हैं। बट क्या होता है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें वो भ्रूण अवस्था में पाई जाती है, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, मैच्योर होते चले जाते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। मगर कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें वो होल आजीवन पाई जाती हैं, जैसे क्या होती है मछलियाँ, तो जितनी फिश वगैरह है उनमें क्या है, ये पाई जाएंगी, ठीक है, तो वो उनमें आजीवन पाई जाती है। और दूसरा फिर आता है पश्च गुदिये पूछ। देखिए, पश्च गुदिये पूछ क्या होती है? जो कॉर्डेटा जंतु होते हैं उसमें गुदा द्वार होता है, उसके ऊपर एक ये पश्च गुदिये पूछ पाई जाती है, गुदा द्वार के ऊपर ये पूछ पाई जाती है। तो बेटा, ये बच्चों, ये कॉर्डेटा के बेसिक या कहिए जनरल करेक्टर थे। जो कॉर्डेटा फाइलम है वो बहुत बड़ा फाइलम है, और वो कई फाइलम, उसमें दो उप समूहों में भी बटा है, ठीक है, दो सब फाइलम में भी बटा है। कौन से में? प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो दो फाइलम इसमें, इसके सब फाइलम बनते हैं। ये हमारा फाइलम कॉर्डेटा था, लास्ट फाइलम था। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस फाइलम कॉर्डेटा के ही सब फाइलम, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कॉर्डेटा कौन से होते हैं? कॉर्डेटा में जितने भी जंतु आते हैं वो सभी द्विपाशर होते हैं, उनमें ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, जनन की तीनों लेयर होती हैं, ठीक है, तीनों लेयर, जर्म लेयर पाई जाती है। ये देहगुही जंतु होते हैं, इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। उसके साथ इनका सबसे विशेष गुण है, वो होता है नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड सभी जंतुओं के जीवन में हमेशा होती है, मतलब जीवन के में कभी ना कभी जरूर पाई जाती है, एक बार पाई जानी आवश्यक है। अब जो होता है ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, जो उच्च कॉर्डेटा होते हैं, ठीक है ना, जो उच्च कॉर्डेटा होते हैं जंतु, उन जंतुओं में वो क्या होती है कि वो रीढ़ की हड्डी में प्रतिस्थापित हो जाती है, और कुछ में वो विलुप्त होते चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी से उनके दो फाइलम सब फाइलम बन जाएंगे। तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो जीवन में एक बार अवश्य पाई जाती है। फिर उसके बाद होता है पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु, ये भी इसका विशेष गुण है, ठीक है, जो इसमें कहाँ पाया जाता है, वो पृष्ठ भाग में पाया जाता है, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु, इसीलिए इसका नाम है पृष्ठीय
खोखला तंत्रिका रज्जु। फिर यह ग्रसनीय क्लोम दरारे, ये भी जीवन में एक बार अवश्य पाए जाते हैं। एक जोड़ी ग्रसनीय क्लोम दरारे जरूर होते हैं, मगर कुछ जो उच्च कॉर्डेटा है, ठीक है, जो उच्च कॉर्डेटा पढ़ेंगे हम, वो वर्टिब्रेट में आएंगे, जो उच्च कॉर्डेटा है उनमें वो दरारे जो हैं कुछ में ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें वो आजीवन चलती हैं, जैसे मछली वाला मत्स्य ग्रुप आएगा आपका, ठीक है, जो मछलियाँ होती हैं उनमें ये दरारे आजीवन पाई जाती है, और पश्चगुदीय पूंछी भी इनमें पाई जाती है, जो बाद में कुछ में विलुप्त भी हो जाती है और कुछ में बचते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कॉर्डेटा फाइलम के जर्नल करेक्टर। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉर्डेटा के फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम, ठीक है, फाइलम सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा। स्टूडेंट्स बच्चों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।